हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आप लोग का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। सो आज हम लोग अर्ली मॉर्निंग अवला बेट्टा पहुंच चुके हैं, तो चलिए आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली अवला बेट्टा में आपको यहाँ पे करीब 2 किलोमीटर का आपको यहाँ पे ट्रैक है और हमें अभी यहाँ पे चल के जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही काम नेचर से भरा जगह है, आप आराम से यहाँ से आके बड़े मज़ा कर सकते हैं। सो ये नंदी हिल्स के बाद सबसे ज़्यादा जाने वाला जगह है बैंगलोर में। 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के रेंज में नंदी हिल्स के बाद सावन दुर्गा, अवला बेट्टा, डीडी हिल्स, सो ये कुछ हिल्स होते हैं। तो जैसे कि अभी देख पा रहे हैं आप लोग, करीब हम यहाँ पे 2 किलोमीटर पहाड़ चढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, फिर आगे का रास्ता कंटिन्यू करेंगे। अभी शायद हम थोड़ा सा ही रास्ता जो बोलते हैं ना, हाफ वे बस रह गए अपने रास्ते के, जो कि 3 किलोमीटर का ट्रैक था। सो अभी हम थोड़ा बैठ गए हैं, फिर कुछ देर में चलो वापस ट्रैक शुरू करते हैं। गजब सा पेड़ है, अजब गजब गजब बोलते हैं ना पेड़ है, जैसे हम देख रहे हैं ऊपर इसके फूल है, पत्तियाँ मुझे नहीं दिख रही है, इसके फूल आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे गिरे हुए हैं, ये इसी पेड़ के फूल से, इसी पेड़ का फूल है। हमारे इस पेड़ में पत्ती नहीं नज़र आ रही। चलिए बस थोड़ा सा बच गया है, हम ऊपर पहुँचते हैं पहले जल्दी से, देखते हैं ऊपर और क्या क्या है करने को। सो दोस्तों हम अवला बेट्टा पहुंच चुके हैं। सो अवला बेट्टा में बेसिकली आपको यहाँ 3 चीज़ देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक है ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल, पहला आपको स्टॉप पड़ता है, यहाँ से आपको वापस राइट जाना पड़ेगा इधर से क्लिफ के लिए। चलिए हम आपको क्लिफ की तरफ लेके चलते हैं फिर। तो ये भी ऊपर बेसिकली क्लिफ जाने का रास्ता है। सो अवला बेट्टा का एक बहुत ही अपना ही इतिहास है, जैसे कि कहा जाता है अगर इसको हम हिस्ट्री में जाएं तो जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से बहुत सारे ही बोलते हैं ना अच्छे और बुरे चीज़ निकले थे, जब बेसिकली कह लीजिए जब समुद्र को मंथा गया था तब उससे जो है ना बहुत सारे अच्छे और बुरे चीज़ निकले थे। तो यूँ कहा जाता है कि उसमें से जो काऊ निकली थी गाय, वो यहाँ पाई गई थी, इसलिए इसका नाम कई बार कहा जाता है देनुगिरी हिल्स भी कहा जाता है इसे, और इसे इवन काऊ हिल्स भी कहा जाता है। सो कभी मॉडर्न समय में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ही मिलते ना गाय मिलते हैं। सो इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक बोलते अपने ही खुद पे हिस्ट्री रहा है, इसका खुद का इतिहास बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अवला बेट्टा 3 चीज़ों की वजह से, या यूँ कह लीजिए देनुगिरी 3 चीज़ों की वजह से जाना जाता है। पहला था नीचे जो हमने दिखाया अभी आपको लक्ष्मी नारायण टेम्पल, दूसरा है यहाँ का एक क्लिफ, वो क्लिफ अपने पे ही बोलते हैं ना एक बहुत ही ज़्यादा स्टिफ, यूँ कह लीजिए कुछ यूँ कह लीजिए कि वो जो क्लिफ है वो खुद एक कैंटिलीवर में खड़ा है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है नीचे, बट वो क्लिफ बहुत सालों से यहाँ पे वो यूँ ही ऐसे खड़ा है। और तीसरा जो कि खास है यहाँ पे वो है यहाँ पे हिल टॉप पे यहाँ का बोलते हैं ना तालाब मिलना, सो उसे हिल टॉप पॉन्ड भी कहा जाता है कई कई बार। सो अभी हमें थोड़ा और ऊपर चलना पड़ेगा शायद, तभी हमें बोलते हैं क्लिफ आए। सो अभी हम लोग पार्किंग से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर चल पड़ चुका है। हमने हमारा स्टार्ट किया था चलने
जो कि था अभी करीब 6:10-6 बजे के आसपास, और अभी 7 बज रहा है। सो हम पिछले 1 घंटे से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप चढ़ने के लिए आए तो अपने साथ हो सके तो जितना मिनिमम वेट लेकर आइएगा, जितना ज़्यादा वेट लेकर आएंगे आपको उतना ही प्रॉब्लम होगा। जैसे कि हमारे केस में हमारे राइडिंग गियर्स है, हमारा बैग है, कैमरा, सो थोड़ा हमें ओवर वेट पड़ रहा है हमारे वेट पे। सो ये हिल टॉप से बहुत अच्छा व्यू आता है। सर ऊपर आप देख रहे हैं, हमें ऊपर और चलना है। तो चलिए फिर जल्द से जल्द हम ऊपर पहुँचने की कोशिश करते हैं। और ये जानने की सबसे पहले हमारी कोशिश है कि हम जितना चढ़ कर आए हैं क्या वो हिल टॉप के लिए सही है, इतना मेहनत करके आज चढ़ के आना और बदले में हमें क्या मिल रहा है, चलिए हम जानते हैं उसे। तो बस इतना ही है टेम्पल, मजाक नहीं करो, आते पर एक बार समझ आ रहा है। सो दोस्तों हमें तो दोस्तों आप लोग जो है टेम्पल के ऊपर ना चढ़िएगा, क्योंकि टेम्पल के ऊपर से आपको टेम्पल का एंड मिलेगा। क्लिप के लिए हमें दूसरा साइड लेना था जो कि हम लोग कह लीजिए आधा किलोमीटर क्यों ही चढ़ गए ऊपर। चलिए अभी हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं, क्लिप देखते हैं क्लिप है कहाँ है एक्चुअली। सो ये वो मंदिर है जहाँ से हम उल्टा रास्ता आए थे, हमें उधर जाना है क्लिफ के लिए। आप ऊपर ना जाइएगा मंदिर से, आपको क्लिफ को जाना है तो आप मंदिर से ही राइट लीजिएगा, वरना आप हमारी तरह रास्ता वापस भूल जाएंगे और आपको वापस आना पड़ेगा। सो दोस्तों ये मंदिर है, आप यहाँ से ऊपर आएंगे और आपके सीध में दिखेगा ये मंदिर जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहते हैं। आपके लेफ्ट में जो रास्ता है वहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आपको यहाँ से जो राइट रास्ता जा रहा है यहाँ जाना है क्लिफ के लिए। चलिए फिर क्लिफ की तरफ चलते हैं हम। शायद अपने को उधर ही जाना है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन या मार्ग नहीं है हमें जाना किधर है करके, हो सकता है जैसे जो रास्ता दिख रहा है इधर ही जाना हो। चलिए फिर जाके देखते हैं हम यहाँ से रास्ता। दोस्तों हमें शायद यहीं जाना था, यहाँ से आपको
कुछ घर या कुछ मकान बन रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ का कितना प्यारा कटिंग्स है। बताया था कि अवला बेटा में जो दूसरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है यहाँ का ये पानी। तो दोस्तों ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड सा है और ये अवला बेटा का सेकंड अट्रैक्शन पॉइंट है। जैसे क्या देख रहे हैं यहाँ पानी उतना साफ तो है नहीं, बट हाँ दोस्तों ये बहुत प्यारा दिखता है देखने के लिए। कुछ ही एकदम मीटर्स का पाउंड है, ये बहुत प्यारा दिखता है। चलिए आपको हम क्लिप के साथ देख सकते हैं। ये वो क्लिफ है और ये है वो पॉन्ड, ना कि जो हमने आपको नीचे दिखाया था वो पॉन्ड होगा, बट यहाँ पे ये वाला पॉन्ड है जो कि इसका सेकेंड एंड थर्ड अट्रैक्शन पॉइंट है। सो एक बार फिर से हम आपको बता दें, पहला अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल, सेकेंड है ये पॉन्ड, थर्ड है ये जो क्लिफ। ये जो क्लिफ कई सालों से ऐसे ही बोलते हैं ना है। So, दोस्तों ये अवला बेटा हमारा पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ से वापस बैंगलोर के लिए निकल रहे हैं। बैंगलोर यहाँ से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें ट्रैवल करने में करीब मान के चलिए 1.5 आवर से 2 घंटे लग सकते हैं। और गाड़ी हमारे साथ जो गज्जू आया हुआ है वो चला रहा है, गज्जू पीछे है हमारे। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिले आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।